उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के भगवानपुर कोल्डिया में अतिक्रमण के नाम पर चिन्हित कुल 40 कच्चे पक्के मकान तोड़े जाने हैं। भारी पुलिस फोर्स के बीच पीडब्ल्यूडी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है, जिससे कि बुलडोजर की मदद से मकान तोड़े जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान लोगों को मकान के पास भी नहीं आने दिया जा रहा है। अपने मकानों को मिट्टी के ढेर में बदलता देख ग्रामीणों की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गरीब होना ही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इस सिस्टम में गरीबों की कोई नहीं सुनता। उनका ये भी कहना है कि जब वे गलत थे तो उन्हें इंदिरा निर्बल वर्ग आवास क्यों आवंटित किए गए और आज उनके साथ क्यों अपराधियों सा सलूक किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान टीम और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कुछ युवकों को भी हिरासत में लिया है। आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की, जिसके बाद हिरासत में ले गए युवकों को स्थानीय लोग जबरन छुड़ा ले गए। बताया जा रहा है कि जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, तब के समय में वहां 20 से ज्यादा परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत आवास दिए गए थे और आज जब मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों ने खूब पसीना बहाकर आशियाने बनाए तो अब इन आवासों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है, जिसके साथ ही उनके लिए चिंताएं बढ़ गई हैं कि वे क्या करें, कहां जाएं, उन्हें समझ नहीं आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।